हाय गाइस, वेलकम टू वीएम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और गाइस, आज जो है वो थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फ्रेश एयर में जाकर जो है वो आप लोगों से बातें करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इसी वजह से मैं बाहर आई हूँ ब्लॉगिंग के लिए। और जो मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हैं उनको पता होगा कि मैं ज़्यादातर बाहर ही बनाती हूँ ब्लॉग्स। वो क्यों? क्योंकि जो लॉन है हमारा वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उधर ब्लॉग्स बने। तो इसी के साथ जो है मैंने यही सोचा कि मैं आज भी जो है वो ब्लॉग यहाँ पे बनाती हूँ। तो गाइज, आज मेरा मकसद क्या है आने का? आज मेरा मकसद ये है, जिन्होंने मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देखे होंगे और उनको तो अंदाज़ा कुछ होगा, बट आप लोग कमेंट्स नहीं करते। जो करते हैं उनका तो पता चल रहा है कि उनको पता चल रहा है कि हाँ क्या हो रहा है। तो इतनी देर, मतलब कि आई थिंक सो कि 1 वीक ही हो गया है कि मैं जो हूँ कोई भी वीडियो नहीं डाल रही। क्यों नहीं डाल रही? क्योंकि जो है वो हमारा सिम्बा और बाहुबली में से जो किटन्स हैं हमारे, सिम्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वॉर्म्स हो गए थे। और ये व्लॉग एक तो बताने के लिए आप लोगों को कि जो है वो सिम्बा के लिए बहुत सारी प्रेयर्स करें, और जो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं भी करते, मुझे पता है कि वो प्रेयर्स ज़रूर करते होंगे उसके लिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ उसकी डाल रही हूँ। तो बस आप लोगों की प्रेयर से जो है वो कुछ बेहतर है। और उसी के साथ जो बाहुबली है, मतलब दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था। उसको भी जो है वो था कि मतलब कि मेरा भाई क्यों नहीं ठीक है। तो ये सीन था, इसकी वजह से जो है वो भी ढीला ढीला था, खाना नहीं खा रहा था। और सिम्बा ने तो जो है वो खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसको वॉर्म्स हो गए थे, पेट में जो है कीड़े हो गए थे। और ये जो है ये नेचुरल है, हर कैट, कोई भी आपकी पेट कैट है, कोई स्ट्रीट कैट है, सबको ये लाजमी होता है। तो हुआ ये कि हमें पहले पता नहीं चला कि इसको क्या हो रहा है। पहले ना मैं आपको पूरी सीन बताती हूँ कि जिनके पास पेट्स हैं उनको भी पता चलेगा, या जिन्होंने रेस्क्यू किया है उनके लिए भी ये नॉलेज होगी कि पहले हमें पता नहीं चला था कि इसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं ना खाना डालने गई थी तो ये खाना नहीं खा रहा था, और साइड पे बैठा हुआ था, बिल्कुल पास पास में नहीं आ रहा था, और इसकी एक्टिविटीज़ चेंज थी। तो जो है मैंने देखा कि ये लंगड़ा के चल रहा है, तो इसका जो आगे वाला हाथ था ना वो भी लंगड़ा के चल रहा था, ऐसे 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 करके ना, ऊपर ऊपर करके। मैंने मामा को बताया, मैंने कहा मामा थोड़ा ना ये ढीला ढीला सा है। मामा कहती है अच्छा चलो ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहती हैं कैट्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा ठीक, ऐसे ही मतलब कि चल रहा होगा, थोड़ा सा कोई हिट हो गया होगा या कुछ ऐसे ऊपर नीचे भागने दौड़ने से कुछ हो गया होगा। मैंने कहा चले ठीक है। हमें बाहर जाना था, हम बाहर चले गए। बाहर जब जाके हम आए हैं तो देखा कि बिल्कुल इसने खाना नहीं खाया, बिल्कुल भी नहीं खाया। और बहुत ज़्यादा मामा जो है ना वो हो गई कि पता नहीं क्या हो गया। हम आए थे कोई 10:30 के करीब हम आए थे, और जब हमने ये उसकी एक्टिविटी देखी और बिल्कुल सो रहा था और बिल्कुल निठाल था, तो हम इसको ले गए डॉक्टर के पास। हमने उसी वक्त जो है डॉक्टर सर्च किया करीब, और हम इसको जो है वो ले गए डॉक्टर के पास। जब लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब हमें ये था कि इसके आम में पेन है और लंगड़ा के चल रहा है, तो ये सीन हमने देखा, तो हमने यही डॉक्टर को बताया। बाकी हमने वो सारा कुछ बताया कि हमने इनको रेस्क्यू किया है और जो है ये 1 वीक के थे तब ये हमारे पास आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने इसको इंजेक्शंस दे दिए, फीवर चेक किया, तो 104 इसको फीवर था।
उसके बाद क्या हुआ कि इंजेक्शंस लगे, मामा ने पूछा कि कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं इसको देनी, तो उन्होंने कहा कि इनकी कोई मेडिसिन नहीं होती तो मेडिसिन नहीं देनी। तब हम घर आ गए, घर आ गए, ये भी पूछा था कि कितनी देर में ये खाना स्टार्ट कर देगा, उन्होंने कहा 24 घंटे में खाना स्टार्ट कर देगा। हम घर आ गए, घर लेके आए इसको, तो वैसे ही क्योंकि अब जब से ये बड़े हुए हैं ना, तो तब से ये मतलब ज़्यादा देर हमारे पास गोद में नहीं रहते, और मामा के पास ही बहुत देर, तकरीबन 1 घंटा जो है आराम से लेटा रहा है, और क्योंकि तबीयत ख़राब थी इसलिए, तो मामा बहुत ज़्यादा वरिड थी, मैं बहुत ज़्यादा वरिड थी, हम इसलिए और डॉक्टर के पास ले गए। जब हम लेके आए हैं तो तब भी इसने कोई खाना नहीं खाया, मैंने इसको मेडिसिन दी, और उसके बाद जो है वो ऐसे ही प्रोसीजर चल रहा था। तो इसने जो है कल या आई थिंक सो परसों इसने जो है वो रोटी खाई, मतलब चिकन दे रहे थे, चिकन उसने नहीं खाया। थोड़ा थोड़ा इसका जो 1 टीस्पून जो है वो इनटेक था सूप का, और वो भी 2 दिन के बाद इसने इनटेक करना स्टार्ट किया। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, हमने क्योंकि ये इनटेक नहीं खाने का कर रहा था, तो हम दोबारा से इसको डॉक्टर के पास लेके गए, 7th को आई थिंक सो लेके गए। और हुआ ये कि जब हम इसको ले मॉर्निंग में ही ले गए, मतलब वो इसका इनटेक नहीं था खाने का, तो मामा कहते कि सुबह ही उठते साथ हम इसको ले जाएंगे। तो हम जब उठे, हम इसको लेके गए, वो सीनियर डॉक्टर थे, और सीनियर डॉक्टर जो थे उन्होंने सारा चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद पता चला कि जी इसको हाथ पे जो पेन वगैरह है वो तो है, इसके पेट में वॉर्म्स हैं, और डॉक्टर ने हमें ये बताया कि इनके जो है पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है इनको जैसे हमें डेंगू हो जाता है वैसे फीवर भी हो जाता है। फीवर चेक किया, 105 फीवर था। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, हमने कहा चलो, मगर खुशी थी कि चलो पता चला। उसके बाद इसको इंजेक्शंस लगे, इंजेक्शंस के बाद जो है मेडिसिन दे दी, और मेडिसिन के बाद जो है अब मेडिकेशन पे ये है, ठीक है, 7th से अब तक ये मेडिकेशन पे है, मॉर्निंग और इवनिंग में मेडिकेशन मतलब इसकी करनी होती है, मतलब मेडिसिन उसको देनी होती है। तो जो है आप लोगों को भी मैं बता दूं कि जो है आपके कोई भी पेट हैं उनकी, मतलब कि डॉग हो या कैट हो, उसको आपको मेडिकेशन करवानी पड़ती है, इनके पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं। हर जो पेट है उसका अलग अलग सिनेरियो होता है, आप इसको उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो वेट के हिसाब से बताएंगे कितने मंथ्स के बाद इनको जो है वो डीवॉर्म करना चाहिए, डीवॉर्म, क्योंकि जो है उससे इनके जो पेट में जो भी बैक्टीरियाज पैदा होते हैं वो नहीं होंगे, और जैसे हमें ये मुश्किल पेश आई वो नहीं होगी। अब जो है खुदा का शुक्र है कि जो है ये रोटी खा रहा है जी, तो रोटी का इंटेक अब इसका है, चिकन का बिल्कुल नहीं है। तो जो है अब हमें, क्योंकि मैं उस वक्त ना खाना खा रही थी, तो मैंने कहा चलो रोटी दे के देखती हूँ चेंज कुछ खाता है, तो मैंने उसको रोटी ऐसे ही दी है, और उसने एकदम से खा ली एकदम से। तो फिर हमने कहा कि चले इसको रोटी का इंटेक करवाते हैं, और तब से जो है वो मतलब कि थोड़ा नखरे करके खा रहा है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक, लेकिन रोटी खा रहा है, मगर चिकन को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा। और जो सूप है वो उसने 3-4 दिन बीमारी के बाद पिया है, और वो मैंने जैसा बताया कि 1/2 टीस्पून ही पिया है। तो अगर अगर किसी को ना पता हो कि डीवॉर्म करवाते हैं और आपके बेड पे जो है वो ऐसे वॉर्म्स हो जाएं, तो इसके लिए पहले तो आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसके बाद अगर वो कुछ नहीं खा रहा तो आप उसको ना थोड़ा सा चेंज फूड दें, जैसे रोटी दे दें, चिकन अगर खा रहा है तो रोटी दे दें, कोई भी मतलब के बिस्किट्स वगैरह जो इनके होते हैं, क्योंकि हमने तो इनको नहीं लगाया उस पर, तो अगर होते हैं तो वो उससे हटा के आप कुछ भी रोटी पे ले जाएं, चिकन पे ले जाएं, शायद वो इनटेक कर ले, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही खिलाया था तो उसने किया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये बात भी शेयर करूंगी कि अगर ये चीज़ हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो
तो गाइस इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि जो है वो मतलब प्रे करें सिम्बा के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और आज जो है वो थोड़ा सा खेला भी है तो इसकी खुशी है, क्योंकि हम उसको अंदर लेके गए थे और उसके साथ हमने प्ले किया। मामा ने जो है वो आपने मैं जो हूँ सिर्फ बाहुबली की मैं ना सकी, तो वो भी शॉर्ट वीडियो में डालूँगी कि इनको हमने मामा ने बांट दिया था और जो है फ्रेश फ्रेश लग रहे थे और अंदर आके वो खेले भी हैं, मामा की गोद में लेटा भी रहे हैं और सोए भी रहे हैं और खाने का इंटेक भी किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो और रिकवरी के लिए, फुल रिकवरी के लिए प्लीज़ प्रे करें, आपकी प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। तो जिन्होंने पहले प्रे की थी उनके लिए थैंक यू। इसी के साथ अगले ब्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।